लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलम तनयो हरे ओम विष्णु 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 तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्र बलम तदेव चलो कैसे घर चलते हैं। शादी तो हो जाने दो ना। तुम यहाँ रहोगी तो शादी कैसे होगी? क्या? Hey, what are you doing? मेरा मतलब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो शादी नहीं होगी क्या? Come on, let's go. चलो घर चलते हैं। मुझे दूल्हे का चेहरा देखना है। ये तो दुल्हन से भी ज्यादा शर्म आ रहा है। इसका चेहरा तुम नहीं देख पाओगी। अब क्या हुआ काजल? तुम मुझे सीरियसली ले रही? मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही काजल। तुम वहाँ आप क्यों रख रहे हो? इसलिए कि दर्द यहाँ हो रहा है काजल। क्या? हाँ। डॉक्टर को बुला। अरे बुलाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। चलो, चलो। हाँ। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग शादी देखो यार। क्या? अरे बोलना पड़ता है, किसी की शादी बिगड़नी नहीं चाहिए। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मेरी है ये। आप बहुत लक्की हैं, बिल्कुल सही वक्त पर आ गए, वरना बहुत देर हो जाती। जी हाँ, मैं अभी अभी घर के लिए निकलने वाला था। उठ जाइए, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल? डॉक्टर देखिए कहीं मेरी शुगर तो नहीं बढ़ गई? नहीं नहीं, आपकी शुगर नमक मिर्ची सब कुछ बराबर है। पहले आपकी किराने की दुकान थी। आपको कैसे पता चला? अरे उस धंधे को तो बंद किए हुए जमाना बीत गया। डॉक्टर आप हंसते बहुत हैं। एक डॉक्टर ने मुझे कहा है कि हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप हंसना बंद कीजिए और इनकी सेहत के बारे में बताइए। हार्ट अटैक आया है। हा? पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ नॉर्मल है। अरे कहना पड़ता है भाई, हार्ट पेशेंट को पहले अटैक के बारे में एकदम से बता दें तो दूसरा अटैक आ सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या हुआ? दर्द सीने में नहीं, उठा है। किडनी? बहुत दुखी रहते हो, दिन रात शराब पीते हो। कौन कमबख्त शराब पीता है? मैंने तो जिसे प्यार किया उसी से शादी की। हाँ, चौथी देवदास बनने से बच गई। वैसे आपको प्रॉब्लम चुनीलाल की ही है, नहीं मेरा मतलब हार्ट की ही है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, लेंगे तो अच्छा है, नहीं लेंगे तो और अच्छा है। वैसे आपको दवाओं से ज्यादा दुआ की जरूरत है। हवा पानी बदलने की जरूरत है। मैं केस पेपर के साथ आपको एक कार्ड देता हूँ, ये मॉरिशियस का सबसे अच्छा होटल है। मेरा नाम लेंगे तो 25% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। आप डॉक्टर नहीं, ट्रैवल एजेंट हैं। आपको कैसे पता चला? किशन जी, वो डॉक्टर साहब तो मेरे भाई हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बता दिया था कि आप लोग आने वाले हैं। इसका मतलब आप दोनों जुड़वा भाई हैं? अरे क्या करे, पिताजी ने सब आई आई। वो छोटा है और मैं बड़ा हूँ, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझता है। अब आप ही बताइए, उसकी डिस्पेंसरी बड़ी क्या हमारा होटल बड़ा? आपका होटल बड़ा। हाँ, तो कौन बड़ा हुआ, मैं कि वो? आप बड़े वाले। अरे सही पहचाना आपने। बका रही। क्या बोला आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, काम कीजिए। हाँ, हमारा सामान और हमारी वाइफ को रूम में ले जाए। ओके। हेलो सनी, कैसा है तू? कहिए क्यों फोन किया आपने? अरे इतना रूडली क्यों बात कर रहा है? जिस हालत में आप छोड़ के गए थे ना, ऐसा लगा मैंने शादी नहीं की, कोई जंग लड़ी है। तो क्या हो गया? लेकिन तेरी शादी तो नहीं रुकी ना, देखा कैसे हार्ट अटैक का झूठा नाटक किया मैंने। भाई साहब, आपको नहीं लगता अब आप सिर्फ झूठ बोलने लगे हैं? बी पॉजिटिव यार, कहते हैं एक शादी करवाने के लिए अगर 100 झूठ बोलने पड़े ना तो भी ऊपर वाला माफ कर देता है। 100 माफ करता होगा, 1000 नहीं। वाह,
तुझे परेशानी ना हो इसलिए तेरी भाभी को लेकर मॉरीशस चला है। और तू है क्या मुझसे रूडली बात कर रहा? क्या कहा? कहां चले आए आप? मॉरीशस क्यों? वेलकम, मैं भी यहीं आया हूं। क्या बात कर रहा है? किस होटल में ठहरा है? वो तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, पता चला वरना आप यहां भी मेरी। अबे सनी, पूरी दुनिया में तुझे यही शहर यही होटल मिला था हनीमून मनाने के लिए? आप बताकर आए थे कि आप इसी शहर में इसी होटल में ठहरने वाले हैं। देख सनी, इससे पहले कि हमारी बीवियां एक दूसरे को देख लें, तू संजना को लेकर यहां से निकल प्लीज। हा? यही डायलॉग मैं आपको भी बोल सकता हूं ना। अबे काजल के हिसाब से मैं हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ से वहां नहीं घूम सकता हूँ, उसे क्या कहूंगा मैं, क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ। और संजना को तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा ना। देखिए भाई साहब, ये आपका दूसरा हनीमून है मगर मेरा पहला, कुछ तो रहम करो मुझ पर। अरे चला मत, यही है मेरा कॉटेज। हाँ? तेरी भाभी बाहर आ जाएगी। ये हाँ वेरी गुड, ये मेरा है। सनी भागिए भाई साहब। अरे भाई साहब आप इधर, व्हाट अ सरप्राइज, भाभी को भी साथ लाए हैं? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए उसे घर ही छोड़ा है मैं। सर मैं आपका सामान और आपकी बीवी दोनों को कमरे में पहुंचा के आया है। भाई साहब आपने झूठ क्यों कहा कि आप भाभी को साथ नहीं लाए हैं? संजना शर्म की वजह से। संजना तुम तो जानती हो ना भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका मतलब एक पागल के साथ मैं अकेले कमरे में चला गया था। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, देखिए कमरे से निकलकर कहाँ पहुँच गई वो। ये यहाँ कैसे पहुँच गई सनी? सर वो आपकी बीवी है। अभी अभी कमरे में छोड़कर आया था ना, वो इतनी जल्दी भूल गया? नहीं नहीं, लेकिन कमरे में तो मैं उसको जबान लड़ा था। लेकिन सर जिसको कमरे में छोड़कर निकलो यहाँ से। अजीब भुलक्कड़ आदमी है। सुनिए आप कौन है? कौन है मतलब? नहीं आप दोनों हैं कौन? ये मेरी पत्नी है रिलायंस की कसम, और मैं उनका पति हूँ। तो फिर वो कौन है जो अपने आप को इनका पति बता रहा है? कौन वो? अरे यार, ओहो तो पूरी टोली मौजूद है। कैसी हो संजना? ठीक हूँ। मेरे प्यारे देवर जी के साथ हनीमून मनाने आई हो? हाँ भाभी अब अपने भाई को यहाँ पे भी लेके आ गई। वो अरे क्यों आया तू पीछे पीछे? अरे जीजा जी आप ही ने तो कहा था दीदी का ख्याल रखने को। इंडिया में कहा था क्या? मैं खुद रख सकता हूँ अपनी बीवी का ख्याल। अरे आप आ गए। संजना चलो काम है कमरे में, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी भागो यहाँ से। अरे बॉबी तुम लोग भी यहाँ आए हुए हो, कहाँ भाग रहे हो? वो सनी कहाँ है? क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों ले आए मुझे कमरे में? पप्पी नो अभी नहीं। ये कौन है? मैं ये? मैं इनका भाई हूँ। अच्छा तो तुम हो इसके भाई? हाँ। अरे काजल मेरी सनी का खून करोगी? अपने आप को बड़ा दादा गुंडा समझते हो? अरे इससे पहले मैं तेरी जान ले लूंगी। काजल काजल ये वो भाई नहीं है, ये भाई का आदमी है जो भाई से बचाने के लिए बॉबी का बॉडीगार्ड बन गया है। जाओ बॉबी को लेकर जाओ। चलो। सनी सीधे खड़े रहो। उस कमरे में क्या कर रहे थे? मैं अब भाभी मैं इसे ढूंढते ढूंढते गलती से उस कमरे में चला गया। और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ? तुम भी ना। अरे तुम दोनों अलग ही क्यों होते हो? अपना हनीमून मनाने आए हो, साथ मिलकर एंजॉय करो ना। यही तो मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, सुनते ही नहीं मेरी बात। तुम इसके साथ एंजॉय करोगे? पति है मेरे। जीजा जी चश्मा कहाँ है तेरा? हा? कितनी बार का चश्मा पहना कर? वो है तेरे जीजा जी, वो मैं हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ।
अपने अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होकर फिर मिलते हैं शाम को। हाँ, फ्रेश होकर मिलते हैं। चलो अरे लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? अपने जीजा जी के साथ। और कहाँ? चलो चलो काजल। चलो एक गला नहीं दबाना। अरे अरे गला छोड़। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, ये मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। Guys, how you doing? I'm okay. Fine. You're right. You okay. Mantri ji, yahan pe kya kar rahe South Africa mein? Hi Prem, kaise ho? Main theek hoon. Kya ho raha hai sir? Chuttiyan mana rahe yahan pe? Nahi, main to yahin pe settle ho gaya. Settle ho gaya kyun? Aapka politics ka dhanda to achha khasa chal raha tha Hindustan mein. Are 26 July ko Mumbai mein itni barish hui ki puchho mat. Don't you okay? See you later. Ha. Main samjha ke romantic barish. To maine guest house mein ek program fit kar liya. मुझे क्या मालूम कि ये रोमांटिक बारिश भयानक बारिश में बदल जाएगी। तूफानी बारिश, यहाँ तक पानी, लोग यू 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 चल रहे। दो दिन लगे लोगों को घर पहुंचने के लिए। मैं भी दो दिन वहां फंसा हुआ था उसके साथ। हा? लेकिन ये चैनल वालों को घर नहीं जाना, वहां तक पहुंच गए। मैं देख रहा हूँ टीवी में यार, ये तुम्हें हूं। इतनी गंदी तस्वीरें दिखाई यार, पूरी पूरी बात चीफ मिनिस्टर ने मुझे सैक कर दिया। और बीवी बोली तू हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं, मार मार के मुझे यहाँ लेके आ गई। अच्छा हुआ हिंदुस्तान से एक नेता तो कम हुआ। Hi sweetheart, how are you doing? Good. Yeah. See you later. यार तुम तो मेरे भी गुरु निकले यार, तुम करते कैसे ये? क्या मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोले? अरे तुम लड़की को कैसे पटाते हो, मुझे भी सिखाओ यार। शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान से अब लड़कियों की वजह से निकाले गए, क्या अब यहाँ से भी लड़कियों की वजह से निकाले जाने चाहते हो? इतनी अच्छी खूबसूरत सुंदर बीवी आपकी, करते क्यों हैं आप ये सब? तुमने मेरी बीवी को देखा है? हाँ, सुशील, सुंदर, मजबूत, टिकाऊ बीवी नहीं है वो, नगीना है, नगीना। और आप? जी 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 जी। क्या बात कर। अरे वो औरत मेरी खुशी नहीं देख सकती यार। अरे जब जब मुझे इश्क होता है उसे दुख होता है। हाँ। अगर अपनी सेक्रेटरी को बिठा के मैं डिक्टेशन करूं तो उसे बुरा लगता है। ये कोई बात हुई यार? तुम हिंदुस्तान में क्या दुनिया में रहने लायक नहीं हो? आज तो हम तुम्हें मार कर विधवा बन ही जाएंगे। माय वाइफ। चलो उठो। नमस्ते। चलो खुश रहो। चलो उठो। बाय सर। उठो यहाँ से। उठो। चश्मा। चलो चलो यहाँ से। क्या समझ रखा तुमने? क्या देख रहे हो उधर? अरे तुमने? I'm sorry. इधर आओ। I love you. नहीं नहीं देख लो, रात को नींद नहीं आती। I love you. चुप रहो। चलो यहाँ से। Don't be there. अरे कोई love you, love you नहीं। I love you. अरे भाड़ में क्या तुम्हारा love you? चलो। किशन तुम भी ना हर चीज लास्ट मोमेंट डिसाइड करते हो, ऑलवेज। चार घंटे की है इसमें, बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट भी तो हैं, चार घंटे हो तो क्या हुआ? अरे तुम रुकी गई, चलो ना। नो, पहले फिल्म देखते हैं। ये पॉपी किसके साथ आई है? किसी के साथ भी आई हो, हमें क्या? तुम चलो। अरे एक तरफ तुम सनी को अपना छोटा भाई मानते हो, दूसरी तरफ उसकी बीवी किसी के भी साथ है, तुम्हें क्या करना है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है डार्लिंग चलो ना, फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे याद आया, ये तो वो भाई का आदमी है, पॉपी का बॉडीगार्ड। चलो। ये हो क्या रहा? काजल एक मिनट देखो, हम सनी को चलकर जल्दी से सब कुछ बता देते हैं, फिर सनी जाने और वो जाने। कम ऑन, चलो चलो। अरे फिल्म शुरू हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका लास्ट वीक है फिल्म का। ये हो क्या रहा है? Darling, I have a best wife. क्या बताओगे इसे? ये बेशरम मेरी सहेली के साथ घूम रहा है। काजल फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे काजल कैसे हो तुम? अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी अपने पति के साथ हनीमून मना के आई हो, और ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? अरे किसी दूसरे मर्द के साथ फिल्म देखने आई हो और पूछ रही हूँ क्या कर रही हूँ? लड़का हैंडसम और स्मार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पति को धोखा दो। भाभी बात कर रहे हो और तुम अय्याशी कर रहे हो ना, इसलिए जाओ जाओ जाकर देखो ऊपर तुम्हारी बीवी दूसरे मर्द के साथ क्या कर रही है। बीवी दूसरा मर्द? चलो काजल फिल्म शुरू हो रही है, हटो तुम भी देख लो। आज मैं इसे लेफ्ट राइट वन टू सारे सवाल करूंगी। ऐसा मत करो काजल, स्कूल में भी ये मैथ्स में ही फेल होता रहा है। अरे मैथ्स में क्या, आज तू अपनी जिंदगी में फेल हो गया। शट अप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलती जाओगी। अरे तुम क्या बोलोगी? यही कि शर्म मुझे नहीं तुम्हें आनी चाहिए। बड़ी शरीफ बनती हो ना, तो इनके साथ यहाँ क्या कर रही हो? इनके साथ? भले इनकी पत्नी पागल हो मगर ये है तो अमीर ना, इसीलिए इनके साथ यहाँ आई हो ना। ये
क्या बोल रही है? फिल्म खत्म होने के बाद आराम से बात करेंगे ना, वरना फिल्म शुरू हो जाएगी। ये मुझे पागल बुला रही है और तुम्हें पिक्चर देखने की सोच रही है? पागल हूँ मैं, पागल हूँ। तुम कैसे पागल हो सकती हो काजल? किसे पागल बुला रही है? इनकी बीवी को। अरे इनकी बीवी तो मैं हूँ। अगर तुम इनकी बीवी हो तो फिर वो कौन है? फिल्म शुरू हो जाएगी। यहाँ से अरे वो तो बॉबी है, इसकी बीवी। किसकी बीवी? नहीं, इनकी बीवी। तुम्हारी बीवी है? इसकी है। क्या तुम्हारी बीवी है बॉबी? नहीं, इनकी। किसकी बीवी है? इसकी है। किसकी बीवी है बॉबी? बताओ। इनकी। हाँ, मेरी मेरी। क्या? हमारी। क्या? हम दोनों की। गुड डे सर, आप लोग दो दिन से ऑफिस में सो रहे हैं सर, लेकिन आपकी टेंशन का हल है मेरे पास। एक हथियार है। हथियार? हथियार मतलब आइडिया सर। लोहार के खानदान के हो जो आइडिया को हथियार बोल रहे हो? सर आप एक नंबर के आवारा अय्याश और लड़कीबाज हैं सर। आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। ए, क्या बोल रहा है तू? और आप भी कुछ कम नहीं है, सामने भाभी और बगल में बॉबी। क्या रे, क्या बोला तू? ऐसा आपको एक दूसरे की बीवियों को कहना है सर। आपको खुद को विलन और सामने वाले को हीरो बनाना है सर। इससे आप ऐसे पाक हो जाएंगे जैसे दूध के दूले हुए हो। मैं आपकी गाय हूँ सर। सर अगर आपको आइडिया पसंद नहीं है तो वापस दे दीजिए सर। सर मुझे कोई मारता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है सर। अरे इतना पॉजिटिव आइडिया पहले क्यों नहीं दिया यार? दो दिन से परेशान है हम। अरे क्या दिमाग आया है? पहले कहा था निकल जाएंगे वो लोग, चलो जल्दी करो। हाँ, पर कोट तो पहन लीजिए ना। गाड़ी में पहुंच चुका है। अरे तो चलो जल्दी करो विकी। काजल नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। संजना कहाँ है? लो वो तो तुम्हारे घर गई है। वो मेरे घर गई है? क्यों? माफी मांगने को। कल का इतनी उल्टा सीधा बोला ना आपको। अरे काजल तुम अपने घर जाओगी और वो इधर आएगी, इससे अच्छा तुम यही उसका इंतजार करो, बस अभी आती होगी वो। हाँ बेटा, हमें तो एक जरूरी काम से बाहर जाना है, प्लीज डोंट माइंड। राम सिंह जी। नहीं लक्ष्मी, चाय कॉफी कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। संजना, संजना, अरे कोई घर पर है कि नहीं? ओ, तुम यहां खड़ी हो। अच्छा तुम मुझे अकेले में मिल गए। संजना मैं तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करना चाहता हूं। भाई साहब पर नाराज है ना, लेकिन भाभी कसूर मेरा है, असली गुनेगार मैं हूं। भाई साहब तो हीरा है हीरा, उनके बाद ऊपर वाले ने अच्छे इंसान पैदा करने ही बंद कर दिए, डाई तोड़ दी उसने। एक ही तो शौक है मेरा, लड़की। ये लड़कियां पटाना एक आर्ट है और इसमें मैं माहिर हूं। ये लड़कियां पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मुश्किल लड़की हो तो किसी और का सच्चा आशिक बनकर सुसाइड करने पहुंच जाओ, लड़की बचाने के पीछे पड़ जाएगी, बस फिर मजे उठा। लेकिन ये संजना जरा अलग टाइप की निकली। जब भी मैं पास जाता बस एक ही बात, नहीं अभी नहीं, शादी के बाद। साला इसी चक्कर में बीवी बनाना पड़ा उसे। ये मेरी बीवी है ना, सर दर्द है 24 घंटे, झिकझिक झिकझिक झिकझिक। कोई भी आदमी कैसे रह सकता उसके साथ? वैसे भी कोई मर्द एक ही औरत के साथ सारी जिंदगी रहे? मेरी समझ में तो नहीं आता। रहने वाले रहते हैं जैसे कि तुम्हारा सनी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। सच झूठ जब देखो झूठ मत बोलना। अरे भाई झूठ को समझने की समझ है उसमें, हजारों झूठ बोले होंगे मैंने उसे। पहला झूठ कि मैं झूठ बोलता ही नहीं, दूसरा झूठ कि उसकी सेवा में किसी और से प्यार करता है। लेकिन सच तो ये है, मैं बॉबी से प्यार करता हूं। इसीलिए तो बॉबी को मैंने अपने दूसरे घर में रखा हुआ है, जहां मैं आराम से जाता हूं, बैठता हूं, सुकून से रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बस यूं समझो कि बॉबी और मैं मियां बीवी की तरह रह रहे हैं। एक आखिरी हथियार ही बचा है,
मैंने अपने घर में चलाया था, बराबर निशाने पे लगा था सर। कौन सा हथियार? तलाक का। सर मेरा आइडिया पूरा सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपके घर बचाने के चक्कर में हूँ सर। सर एक दिन मेरी बीवी ने झगड़ा किया मुझसे और कहा कि मैं मैके चली जाऊंगी। मैंने कहा ए चल चल तलाक ले फिर घर जाने की बात कर। और सर वो दिन है और आज का दिन है, मेरी बीवी सोती भी है तो अपने मैके की ओर पीट करके सोती है सर। सर मैं ये कुर्सी ले लूं? सर मर्दों के पास अपनी बीवियों को डराने का इससे अच्छा हथियार हो ही नहीं सकता। सर ये कुरियर से है। थैंक यू। ये तेरा है। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हमें अपना आइडिया सुनाने से पहले हमारी बीवियों को सुना क्या आया था क्या? उन्होंने हमें तलाक का नोटिस भेजा है। अब क्या होगा? अब तो भगवान ही मालिक है सर, भगवान ही मालिक है। अपने आप को संभाल सनी, बी पॉजिटिव। तू इतना हंस क्यों रहा है? मेरा लाल है और आपका पीला। अरे यहाँ हमारी जिंदगी बेरंग होती जा रही है और तुझे एनवेलप की रंग की पड़ी है। अरे कुछ सोच। सोच रहा हूँ हमें इस हाल में पहुंचाकर क्या कर रहे होंगे अपने प्रेम भाई साहब। लगिए जाएंगे। अरे इस साइड। हेलो हेलो प्रेम, मैं किशन बोल रहा हूँ। किशन कौन? किशन आप बोल, मैं स्विमिंग करूँ लड़कियों के साथ, जल्दी बोल। मैंने कहा था ना वो बिजनेस टूर रोड पर नहीं गया है, वहाँ लड़कियों के साथ बैठकर स्विमिंग पूल में तैर रहा और ऐश कर रहा है रात को। अरे वहाँ दिन है यार। ओ, बात करो। प्रेम प्रेम यहाँ जलजला आ गया है। भूकंप। वेरी बैड यार, लेकिन यहाँ पे तो न्यूज में कुछ दिखा नहीं लोगों ने। यार तेरी वजह से हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी जिंदगी, हमारी जिंदगी हमारी बीवियों ने बर्बाद कर दी है। हमारी क्या कह जा रहा है, ये सब और किसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? मैं प्रेम भाई शेखर। शेखर तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हाँ और तलाक भी होने वाली है। तलाक? प्रेम भाई इतना चौक मार, जो बुजुड़ी तूने मेरे गेस्ट हाउस में भेजी थी उसकी वजह से हमारे घर में आग लग चुकी है। वेरी गुड, लेकिन वो फुलझड़ी नहीं सुतली बम था। लाना थे तुम लोगों पर, दो लोग होकर भी एक चक्कर नहीं छुपा सके। एक अखबार का एडिटर, दूसरा क्राइम रिपोर्टर, तुम लोगों का अखबार चल कैसे रहा है? अखबार को मार गोली, पहले ये सोच। डर के मत, प्यार से बात करो, प्यार से। ठीक है तू बात कर। प्रेम भाई यहाँ मामला बहुत सीरियस है, आप सीरियसली कुछ करिए वरना आपके दोस्त के साथ मैं। दोस्त आसान सी चीजें नहीं कर सकते, अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकते, एक बॉबी को संभाल नहीं सकते और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त। ए प्रेम लेक्चर मत दे, पहले यहाँ आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, नहीं तो क्या? प्रेम भाई हम दोनों के घर टूट जाएंगे। मुझे पता है आपका दिमाग कैसेट की तरह दोनों तरफ चलता है, ए साइड भी बी साइड भी। आप इंडिया फौरन लौटाओ, हम लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं। अबे रो मत, आई हैव टू गो, आ रहा हूं, चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, अपने देवता जैसे पतियों पे शक करती हो, और वो भी किसके साथ? बॉबी के साथ, जो कि इनकी भाभी है। अरे शी इज माय वाइफ, वो मेरी धर्म पत्नी है। प्रेम क्यों अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनका गुनाह अपने सर ले रहे हो? काजल मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले रहा, मैं अपने दोस्तों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये दोनों एक एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। क्या क्या अभी भी यकीन नहीं आ रहा? हाँ लगता है भाभियों को मेरी लाइफ की पूरी ज्योग्राफी समझानी पड़ेगी। गौर से सुनिए, बॉबी और मैं एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। बॉबी के पिताजी और मेरे बाबूजी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, इसलिए बॉबी और मैंने चुपके से शादी कर ली। अब शादी की नेक्स्ट डे की सुनो, मेरे बाबूजी गए बरिश्ता कॉफी पीने, वहाँ उनसे पूजा टकराई
उनके दिल को भाई और उन्होंने बना दी उसे मेरी लुगाई। तुम जो भी समझो लेकिन मैं अपने बाबूजी का दिल नहीं तोड़ सकता था। मेरे बाबूजी दिल के मरीज थे। अरे उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी जब वो बात करते तो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रख के बात करते थे और मुझे उसी चीज से डर लगा रहता था कि अगर उनका हाथ उनके हार्ट से सर गया तो मेरे हाथों में दुनिया का सबसे भारी बोझ होता। अब तो ड्राइवर की तरह एक दो रन लेते हो, ये तो सेवा की तरह ठोकते जा रहे। ठोकते ठोकते विकेट नहीं गवा दे वरना हम दोनों आउट हो जाएंगे। मेरे बाबूजी मेरी शादी से बहुत खुश थे। मेरे बाबूजी इतने खुश थे शादी के दो दिन बाद खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए और मुझे दो बीवियों के साथ छोड़ गए। उनकी बहुत याद आती है मुझे। छोड़ो ये सब डिप्रेसिंग बातों को। पॉइंट पे आ जाते हैं। जब मैं शहर छोड़ के जाता था तुम पूजा का ख्याल रखती थी, रह जाती थी अकेली तन्हा बेचारी बॉबी। मैंने इनसे सिर्फ इतना ही कहा, अपने दोस्तों को बोला कि जब मैं टाउन में नहीं हूं तब तुम मेरे लिए उसका थोड़ा सा देखभाल करना जो इन लोगों ने किया। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लेकिन सच भी तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि तुम रही पूजा की सहेली। तुम जाके अपना मुंह फाड़ देती वहां पे कि बॉबी मेरी बीवी है, दिस इज माय वाइफ। फिर मैं कौन हूं? सुनो ये दोनों पकड़े गए, मैं इनको बचा रहा हूं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक लड़की। ए, ए प्रेम, ये कान में क्या खुसर फुसर कर रहा है? अबे रुकना रुक। अरे ऐसे ऐसा क्या कर रहा है, पता ना क्या बोल रहा है। अबे दो मिनट के लिए रुक जा प्लीज। नहीं नहीं प्रेम भाई, जो बोलना है सबके सामने बोलिए। अबे तो सुन पूजा, इन दोनों का फोन आया मुझे साउथ अफ्रीका में, जल्दी आ जा, हमारे बीवियों को हमारे चक्कर के बारे में पता चल गया, आके बचा ले हमें, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अरे दोस्त है इसलिए आना पड़ा मुझे। अरे दोस्त है तो ये क्या बोल रहा है तू? अबे ये दोस्ती एक जन्म का साथ है, मेरी बीवी का साथ सात जन्मों तक का है। अबे ये कौन सी गणित हुई कि एक जन्म के लिए कि अपनी बीवी का सात जन्मों का साथ बर्बाद कर दूं? अरे आप ही ने बर्बाद किया है भाई साहब को, बॉबी के चक्कर में आप ही ने फंसाया, मैं गवाह हूं और मुझे इन्होंने फंसाया, ये गवाह है। पूजा ये दोनों ना, मुझे सिर्फ इतना बता कि क्या मैंने कभी आपको फोन करके जानने की कोशिश की कि आप ऑफिस में हैं या नहीं, और रात को जब भी आप देर से लौटकर घर आते हो क्या मैंने कभी आपसे कोई सवाल किया कि आप कहां थे और आपने इतनी देर क्यों लगाई? जब भी आप घर पे नहीं होते थे न जाने कितनी सारी लड़कियों के फोन आपके लिए आते थे और मैंने हर एक का मैसेज आपके लिए लिखकर रखा, कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। आज आपने अपनी पूजा को खो दिया। पूजा ये तीनों दोस्त एक जैसे ही हैं। ओ सुनिए, मुझे इनका पता नहीं लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं, झूठा मक्कार। अपनी बेगुनाही का सबूत अब तुम भी कोर्ट में ही देना। चलो पूजा। नहीं पूजा, पूजा कहीं नहीं जाएगी। ए गाइस हेल्प यार, पूजा सुनो, बैडमिंटन कोर्ट जाओ, टेनिस कोर्ट जाओ, फूड कोर्ट जाओ, लेकिन वो कोर्ट मत जाना पूजा। ए पूजा, अरे लड़के जवाब तक नहीं दिया यार। जवाब मिल गया प्रेम। क्या? हमें नोटिस के साथ और तुझे बिना नोटिस के। बॉबी हाय। क्या कर दिया है? समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे होते हुए इतनी गड़बड़ कैसे हो गई। टाइम बॉबी टाइम, जब टाइम खराब चलता है ना अच्छा करने जाओ साला बुरा हो जाता है। लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम उन दोनों की बीवी को जाके बोलो कि वो इस चक्कर में सिर्फ मेरी वजह से फंसे हैं और वो दोनों गेले हैं, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यार बॉबी मेरी जो बीवी है ना वो काजल संजना की तरह शक्की और गुस्से वाली नहीं है,
गाय बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, थोड़ी गुस्से में भड़की हुई है, लेकिन मैं उसे समझा लूंगा। तुम फिर से उधर देखने लगे? नहीं, सब नाच रहे हैं, ये तीर क्यों नहीं नाच रही? मैडम्स, आप लोगों को ये गाना पसंद नहीं है? पूजा, कहा ना कि मेरा टाइम खराब है? टाइम तो मेरा खराब है, अब मेरे पैसे का क्या होगा? अरे पैसे, यहाँ मेरी वाइफ और लाइफ दोनों टेंशन में आ गई है, और तुम्हें पैसों की पड़ी है? अरे पैसों से ज्यादा तुम्हारे लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पानी पिला यार। बॉबी का पति पिछले 2 सालों से कोमा में है प्रेम साहब। उसे जिंदा रखने के लिए 20,000 रुपए हर रोज हॉस्पिटल में जमा करवाने पड़ते हैं। पैसों से ज्यादा उसे क्या इंपॉर्टेंट होगा? सॉरी, मुझे तुमसे उस वक्त पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? हंसते हुए चेहरे का गम पढ़ना कितना मुश्किल होता है। जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाए, मैं उनका इलाज कराऊंगा। अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है। कब बताओगे? डिवोर्स मिलने के बाद? सनी, हम दोनों अपनी अपनी बीवियों से माफी मांग लेते हैं। मतलब जो गलतियां हमने नहीं की उन्हें मान ले? नहीं, हम बेकसूर हैं ये तो आप कभी नहीं मानेंगी, राइट सनी? माफी मांगने से एटलीस्ट उन्हें ये तो एहसास होगा कि हम पछता रहे हैं, शर्मिंदा हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं। हमारे सच को वो झूठ मानती आई हैं, तो क्या झूठ को सच मानेंगी? यकीन दिलाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा, बी पॉजिटिव यार। भाई साहब, ये जो बार बार बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, क्या है ये बी पॉजिटिव? ब्लड ग्रुप है मेरा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कल्लायक है, दुखदायक, हम भटक गए थे, बॉबी के साथ अटक गए थे, क्या करते, यहाँ से सटक गए थे। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी क्लब नहीं जाऊंगा, सारा लफड़ा वहीं से शुरू हुआ। मैं तो बिना क्लब गए ही फंस गया। ये क्या बोल रहा हूँ? सर, 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 प्रेम साहब, सर सुसाइड पॉइंट पर सुसाइड करने गए हैं सर। क्या क्या? मुझे क्यों नहीं आई? उन्होंने बताया तो होगा ना कि मैं यहां मरने आया हूं। वो देखो, वो रहा प्रेम। प्रेम, प्रेम भाई, अच्छे प्रेम। आगे, सुसाइड मिशन स्टार्ट। रुक जाइए प्रेम भाई। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूं। प्रेम भाई रुक जाइए, वहाँ गहरी खतरनाक खाई है। अब मुझे रोकने वाला भी नहीं रोक सकता और बचाने वाला भी नहीं बचा सकता। अरे बेटा, ये तो बहुत गहरा है, वो अगर नीचे चला गया तेरा पालक बन जाएगा। एक स्टेप पीछे ले ले। अरे अब जरा तेज दौड़िए ना। अरे क्या करूँ, पैरों में घोड़े की नाल लगा लूँ, दौड़ तो रहा हूँ। अबे यार, वही तो बताओ कि मेरी बीवी आई है कि नहीं। अरे कैसे दौड़ रहे हो तुम सनी? और कैसे दौड़ू? अरे वैसे दौड़ो जैसे मेरे पीछे भागे थे सिंगले के मुझे मारने के लिए। प्रेम भाई, मैं आ रहा हूँ। प्रेम भाई, मैं आ रहा हूँ। लगता है मुझे ही घूम के देखना पड़ेगा। प्रेम भाई, अबे अब तुझे क्या हुआ? प्रेम भाई, अबे आराम से, धीरे धीरे आ। प्रेम भाई, अबे सनी, ये बहुत गहरी खतरनाक खाई है, आराम से। प्रेम भाई, पैरों पे कंट्रोल रख, पैरों पे कंट्रोल रख, पैरों पे कंट्रोल रख। रुकना नहीं जा रहा है प्रेम भाई। सनी, 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 संभालो मुझे। अबे रुक, रुक, सनी रुक, सनी रुक, 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 सनी रुक। प्रेम भाई, पिताजी। अबे तू यहाँ क्यों आया था? आपको बचाने आया था। अबे तू सनी है, सनी देओल नहीं। जब मरना ही नहीं था
तो आप यहाँ आए ही क्यों थे? अबे कुत्ता जब गाड़ी के पीछे भागता है तो उसको गाड़ी खरीदनी है या चलानी होती है? नहीं ना, अबे अपनी बीवी को डराने आया था यार, अब खुद डर लग रहा है मेरे को। किशन, किशन भाई साहब। अबे किशन को क्यों बुला रहा है? वो किशन भगवान है कि आके बचा लेंगे हम लोग को। भाई साहब। अरे तुम तीनों यही ठहरो, मैं देखता हूँ। किशन जल्दी, लेकिन संभल के तुम मत गिरना। सनी, प्रेम, किशन। अरे कहाँ हो तुम लोग? अबे नीचे आएगा तो दिखाई देंगे ना यार, नीचे आ। आता हूँ, आता हूँ। अरे बाप रे, प्रेम तू इधर? सनी किधर है? अबे तेरे गोद से निकला तो मेरे पैरों पे आ लटका है ये। हाँ भाई साहब, मैं इधर हूँ, मैं प्रेम भाई के पैर में लटका हूँ। हाँ हाँ तो लटका रे, तू यहाँ बचाने आया था या मरवाने? अबे तेरे से मैंने कहा था ना, ये हिल डुल के काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, काय को लेके आया तू यहाँ पे इसको? अरे सनी तू एकदम डफर है, डफर। अरे चुप, पहले बचा लो, बाद में गाली दो। अबे तू बात क्या कर रहा है, जाके लेके आना कुछ रस्सी कुछ। करता हूँ करता हूँ। अरे तुम लोग जाके कोई रस्सी रस्सी लाओ। गाड़ी में है, मैं लेके आती हूँ जल्दी। प्रेम, मिल गई, ये ले पकड़, पकड़ पकड़ पकड़। अरे पकड़ ना, ले ले ले, चल ले। अरे ले। ये ऐश्वर्या राय की तरह डांस क्या कर रहे हो प्रेम भाई? सीधे लटके रहो। अबे यार मैं सीधा लटका हूँ, किशन बेल्ट फेंक रहा, हाथ में नहीं आ रहा मेरे। कम ऑन संजना, रस्सी जल्दी, रस्सी। किशन भाई थोड़ा और नीचे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, जरा संभल के। अरे काजल चुप रहो ना, देखो ना क्या कर रहा हूँ मैं। थोड़ा और नीचे, और नीचे, और नीचे। ये ले, ये ले, ये ले। किशन, किशन प्लीज जरा देख के। अरे डिस्टर्ब मत करो ना। किशन भाई। हाँ। थोड़ा और नीचे, और नीचे। ये लो। किशन प्लीज जरा संभल के। अरे मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मैं हूँ ना, मैं लेके रहता हूँ दोनों को ऊपर। थोड़ा और नीचे, और नीचे। नीचे बोल के कितना नीचे लेके आ गया तू? अबे इसका बस चले तो ये अपने को डायरेक्ट ऊपर पहुंचाएगा। अरे क्या कर रहा सनी? चिकन चिली। अरे सनी जिस टांग पे लटका है उसी को काट रहा है। लास्ट बार रुकिया। मैं राइट में हूँ, राइट में, वो लेफ्ट में, लेफ्ट में। अभी जल्दी सॉरी बोल वरना हम दोनों मुफ्त में मारे जाएंगे। जल्दी सॉरी बोलते है। सॉरी प्रेम भाई, सॉरी। इट्स ओके। मुझे मुझे भयानक चक्कर आ रहा है किशन भाई। तो नीचे मत देख। आंखें बंद कर ले। अरे वो तो थोड़ी देर में वैसे ही बंद होने वाली है भाई साहब। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। क्या हुआ प्रेम? प्रेम क्या हुआ? मेरा तन डोले, मेरा मन बोले, मेरे मन का गया करार। देखो कैसे बजाऊं बांसुरिया। क्या आदमी है यार, ऐसी सिचुएशन में गाना गा रहा। चल। अरे पागल हो गया क्या तू? चल। अरे क्या चल, ये गाना क्यों गा रहा था तू? मेरा मन कर रहा है गाने को, मुझे अच्छा लगता है लटकते हुए गाना। ये पागल हो गया सनी। पूजा, काजल। अरे बांध क्या रही है, पहले इधर फेंक। अरे बांधूंगी नहीं तो हम तीनों भी नीचे जाएंगे। किशन तुम फेंक दो ना, फेंक जल्दी फेंक। प्रेम भाई वो कोबरा नहीं हो सकता, वो पानी वाला सांप होगा, काटेगा नहीं, वो काटेगा तो कुछ नहीं होगा। किशन, I'm not sure। जल्दी रस्सी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। अबे अबे रस्सी है। अरे रस्सी है तो पकड़ लेना। नहीं नहीं पकड़ूंगा। अरे रस्सी क्यों नहीं पकड़ेगा तू? अबे अगर क्योंकि मैं रस्सी पकड़ ली
तो पूजा सोचेगी कि मैं नाटक कर रहा था यार। अबे ये नाटक बहुत जल्दी हकीकत में बदलने वाला है। किशन रस्सी पकड़ो। अबे उसे बोलना 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 यार माफ करने को। अरे बोलना 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 यार बोलना यार। पूजा पूजा माफ कर दो प्रेम भाई को। अरे पूजा माफ कर देना प्रेम को, नहीं तो किशन और सनी भी मुफ्त में मारे जाएंगे। माफ कर दो पूजा, माफ कर दो। प्रेम ऊपर आ जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ठीक है पूजा, मैं आ रहा हूँ। यू आर ग्रेट पूजा, जो तुमने मुझे माफ किया है। पगल। अरे संभल के, अरे हम दोनों भी संभल के, संभल के। अरे खींचो। मैं आ रहा हूँ पूजा। काजल मैं तुम्हारे पति को लेके आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। लेकिन तुम लोग भी रस्सी पकड़ो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अरे तुम्हें पता करो यार पूजा, अगर किशन और सनी की जिंदगी का सवाल नहीं होता, ये रस्सी में हाथ में नहीं गले में डालता। पूजा तुम ग्रेट हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती और तुम मेरे पति होते, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करता। इसलिए आज के बाद जो तुम कहोगी मैं करूंगा, तुम्हारा हर कहना मानूंगा मैं। वादा? हाँ, पक्का वादा। तू आने वाले 7 जन्मों में तुम ही मेरे पति बनना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रेम, और भगवान पर पूरा विश्वास है मुझे, एक ना एक दिन तुम जरूर सुधर जाओगे। इसका मतलब कि तुम्हें अभी तक ये पता था कि मैं नाटक कर रहा था? पूजा तुम्हारा पति प्रेम आज से सुधर गया, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं मैं, और वादा करता हूं कि इस दुनिया के सबसे अच्छे पतियों से अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। सॉरी। छोटे तुम्हारे सैंडविच वगैरह कुछ लोगे? मैं तो डाइटिंग कर रहा हूँ काजल, मुझे नहीं चाहिए। देखा, तीनों में से किसी ने भी दोबारा मुड़कर नहीं देखा उसे। सच मुझ अब तुम सुधर गए। सुधर गए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, बसंती रे